वहीं फिरोजाबाद में हमारे संवाददाता सौरभ उपाध्याय ने केंद्रीय कानून राज्य मंत्री बने एसपी सिंह बघेल से खास बातचीत की। उनका क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद राज्य मंत्री बनाए गए एसपी सिंह बघेल साहब इस समय न्यूज वन इंडिया के साथ मौजूद हैं। सर, पहले तो आपका बहुत स्वागत और मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। सर, मैं आपने शपथ ग्रहण कर ली है, उसके बाद चार्ज ले लिया, पहली प्रतिक्रिया क्या रहेगी? माननीय प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, गृह मंत्री जी का, शीर्ष नेतृत्व का, निर्धारकों का, संगठन का, सबका आभार प्रकट करना चाहूँगा कि इतने बड़े देश का जो मंत्री परिषद है उसमें मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को शामिल करके जिन अपेक्षा, उम्मीद और आकांक्षा रखी है, मेरे से विश्वास व्यक्त किया है, अपनी पूरी मेहनत, ईमानदारी, लगन और कर्मठता से उस विश्वास को बनाकर रखेंगे। सर, फिरोजाबाद से आपका नाता रहा है पुराना और टूंडला से आप विधायक भी रहे हैं, तो फिरोजाबाद में भी हर्ष की लहर है, खुशी की लहर है, कुछ कहना चाहेंगे वहाँ के लोगों के लिए? फिरोजाबाद लोकसभा के लोगों का आभार प्रकट करना चाहूँगा, टूंडला से जीता था, मिनिस्टर बना था, तो यहाँ तक आने के जो मंजिल अगर है तो उसकी रास्ते बाया फिरोजाबाद ही आए हैं। और श्री अखिलेश यादव जी से और डिम्पल यादव जी से चुनाव फिरोजाबाद में लड़ा है, तो हर जीत अलग होती है। वो शेर के कातिल बहुत जलील हुआ, मेरा सर उतार कर हमने दिलों को जीत लिया जंग हार के, तो वो चुनाव हार के भी एक जीत की स्थिति में आई थी। इसलिए पूरे देश का भी आभार प्रकट करना चाहूँगा, विशेष तौर से आगरा और फिरोजाबाद पुरानी जनरेशन लोकसभा का, तो मैं हृदय से आभारी हूँ कि ये छठवां कार्यकाल अगर हुआ है उसमें फिरोजाबाद टूंडला का बड़ा महत्व है। सर, संघर्ष से शिखर तक, आज आपने राजनीतिक करियर आपका काफ़ी लंबा रहा है, बहुजन समाजवादी पार्टी, सपा और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में इस हद तक आना, सर क्या किस तरीके का महसूस कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे कि ये अनुभव कैसे रहे? सब जगह सीखने का मौका मिलता है और जो सीखा है, जो सीनियर से सीखा है वो काम आ रहा है। दो चीज़ों का और भी तो उल्लेख करो, पार्टियों के अलावा आईबाजिन पुलिस और आगरा कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, तो इस चीज़ का भी, और ख़ास तौर से जो मैन टू मैन एंड पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट रखा है, और रोज जो क्षेत्र में, रोज का मतलब रोज ही गए हैं, मैं पिछले बार जब चार बार एमपी था तो 23 रात केवल दिल्ली में स्टे किया था, और अब तो 23 अभी हो जाएंगी क्योंकि हम लोगों को यहाँ सीखना है, सदन चल रहा है, तो वो जो ग्राउंड जीरो पे जाकर काम किया है उससे उसका बड़ा लाभ मिल रहा है।